सेकेंड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1.11। सो लेट अस स्टार्ट। प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम है 1.11। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है ना, 1.27 आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। इट मीन्स दैट, यानी कि यहां आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस वो यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, ई वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइंड है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, इन विच अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। ओके, कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों आपको द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब क्या है? क्लोज्ड है ना, आपका क्लोज सरफेस होती है ना, तो यहां पर क्यूब से टोटल फ्लक्स पासिंग निकालना है और द चार्ज विदिन द क्यूब, क्योंकि ये क्लोज है तो इसके अंदर कितना चार्ज एसोसिएट है ना। साइड ऑफ द क्यूब दी गई है 0.1 मीटर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन में ई एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, इनको नोट कर लेते हैं। ई एक्स हमें कितना है? अल्फा एक्स की पावर 1/2 और ए की वैल्यू है 0.1 मीटर। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 या 1/10 मीटर कह सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। अब प्यारे बच्चों देखो, हम फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी फेसेस देखेंगे कितने हैं, है ना। ईच फेस से क्या है, फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो वो कौन कौन से फेसेस है जिनसे फ्लक्स पास हो रहा है और जीरो फ्लक्स किस फेसेस से पास हो रहा है, ये देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्यूब बनाया है मैंने, है ना, ये क्यूब है। ओके, इसमें कितने फेसेस है प्यारे बच्चों, इसमें फेसेस बताइए। एक फेस तो ये फ्रंट का हो गया प्यारे बच्चों, है ना, एक टॉप वाला हो गया ऊपर वाला, एक बॉटम वाला हो गया, है ना, दो साइड फेसेस हो गए और एक बैक फेसेस हो गया। तो टोटल इसमें कितने फेसेस है? इसमें 6 फेसेस है। अगर हम यहां पर पोजीशन देखें इसकी, है ना, ये कुछ इस तरह से, तो एक फेसेस तो ये रहा, एक फेसेस ये 2, 3 और 4, और एक ये हो गया और एक इसके बैक का हो गया, तो ये 6 फेसेस है। तो हम पोजीशन अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें हम इसके ऊपर, इस फेसिस के, तो नॉर्मल जाएगा ऊपर की तरफ, इसी तरीके से जो बैक फेसिस है उसका नॉर्मल नीचे की तरफ होगा और जो राइट फेसिस है उसका राइट साइड में परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। हमेशा जो नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर देखते हैं हम, वो हमेशा मैंने बताया था नॉर्मली आउटवर्ड लेना है, नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। ओके, और जो लेफ्ट फेसिस है उसका नॉर्मली आउटवर्ड होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है ना, और दो अगर हम यहां पर देखें, इस फेस के लिए देखें, ये फेस हम 1 ले लेते हैं, इस फेस के लिए अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, तो डीए और ई दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो यहां इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। ओके, इट्स क्लियर। सभी फेसेस से हम फ्लक्स पास देखेंगे कि सभी फेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड फेसेस है, सेकंड फेसेस से डीए की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होगी, है ना, और ये डीए की डायरेक्शन। अब डीए और ई की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ये ई की अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है, ई की डायरेक्शन आपको, है ना, तो यहां पर ई और डी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 0 डिग्री मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 डिग्री। ओके, अब अगर हम
बॉटम वाला फेस देखे है ना, नीचे वाला फेस देखे, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा नीचे है ना डी ए। अब यहाँ पर डी ए और ई के बीच में कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से आपका टॉप वाला देखे तो डी ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और थीटा इसके लिए कितना आएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। ओके, इसी तरीके से जो फ्रंट का फेस है प्यारे बच्चों, फ्रंट का फेस है ना, और इसका जो बैक फेस है, फ्रंट का ये फेस हो गया, ये फ्रंट का फेस हो गया, तो इसमें डीए की डायरेक्शन ये होगी नॉर्मली आउटवर्ड। अब डीए और ई के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से जो इसके बैक में है फेस, उसमें भी क्या आउटवर्ड नॉर्मली होगा, तो थीटा उसके लिए भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि थीटा जिनके लिए 90 डिग्री होता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो फोर फेसेस की आपका जो फोर फेसेस है, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव और फाइव सिक्स, उनके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थीटा उन सभी के लिए फॉर ईच थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीए वेक्टर एंड ई वेक्टर। केवल दो फेसेस मिलेंगे हमें, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हमें दिया है, नॉन यूनिफॉर्म। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट हम करेंगे फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स की वैल्यू पाई। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ई डॉट डी ए है ना, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे इतना फ्लक्स पास होगा, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे केवल फेस वन की और फेस इसकी टू की है ना, इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों बोलो, इसके लिए बताओ, ई डी ए कॉस 0 डिग्री वन फेस के लिए, और वन फेस के लिए सॉरी 180 डिग्री, और फेस टू के लिए ई टू डी ए कॉस 0 डिग्री। ओके, अब ई वन देखो, फर्स्ट जो फेस है ना, फर्स्ट फेस की बात करें, ये कितने जो ये फर्स्ट फेस है ना, यहां पर ये देखिए, और ये सेकेंड फेस है, तो यहां x वैरी कर रहा है, फर्स्ट फेस के लिए x वैरी कर रहा है a, और सेकंड ये 2a, ओके 2a, x की वैल्यू वैरी कर रही है सेकंड फेस के लिए, x इक्वल टू कितना 2a पुट करेंगे, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, e1 की वैल्यू कितनी मिलेगी अल्फा, ओके ये e1 तो अल्फा इंटू x की पावर कितनी, a की पावर आ जाएगी, x इक्वल टू a ए की पावर 1/2, ये तो होगी हमारी ई वन की वैल्यू। ओके क्लियर, और प्यारे बच्चों डीए, डीए मीन्स एरिया ऑफ द फेस वन, तो फेस वन का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बोलो, ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, और ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये पूरा ही क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगी, डीए का हमने एरिया ले ही लिया है ना, डीए का एरिया कितना ले लिया, ए स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हम ए टू की वैल्यू रख देंगे अल्फा, अल्फा यहाँ पे देखो, अल्फा एक्स एक्स वेरी हो रहा है कितना 2a, तो यहां लिखेंगे आप 2a की पावर कितनी, एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 2a 1/2, cos 0 1 हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीए, डीए मीन्स एरिया ऑफ द सेकंड फेस, तो एरिया ऑफ सेकंड फेस कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अभी। ओके क्लियर प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां अल्फा ए की पावर 1/2, ए की पावर 2, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ए की पावर 5/2, ओके माइनस के है ना, और प्लस में अल्फा ए की पावर 1/2 और ये 2 5/2, और हमें मिला 2 की पावर 1/2 यानी के √2। ओके, अब हम इसमें से ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा
अल्फा ए की पावर 5/2 और ये मिलेगा -1 √2। ओके, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी गिवन है 800। अल्फा कितना है 800 और ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1/10, 1/10 की पावर कितनी 5/2। ओके, रूट टू कितना होता है 1.414। ओके, 800 सिंपलीफाई कर लो, 1/10 की पावर 1/2 √10 हो गया, तो 1/2 पावर तो √10 होगी, तो हम कह सकते हैं 1/√10 की पावर कितनी 5, यहां मल्टीप्लाई -1 गया, कितना मिलेगा 0.141। ओके, अब रूट 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों 800, है ना, मल्टीप्लाई 1/100 √10। ओके, इनटू 0.414, 20 से 20 उड़ा देंगे, √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 √10/10 लिख सकते हैं, √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज, और ये वैल्यू है कितना 0.414। ओके, √10 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 3.16, इतनी होती है, 10 से डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा, 0.8 इंटू 3.16, और ये सब आप मल्टीप्लाई कर लेना और ये मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स आएगा 1.05, 1.05 यूनिट लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सेकेंड यूनिट फ्लक्स की वोल्ट पर मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की थी 1.11, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। यहां पर फील्ड कैसा दिया था, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, जैसे जैसे एक्स वेरी हो रहा था तो फील्ड भी क्या हो रहा था, चेंज ही हो रहा था, और फील्ड किसके अलोंग दिया है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां से हमने देख ली कि चार फेसेस के लिए जो थीटा की वैल्यू ही, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच एंगल मिला वो 90 डिग्री मिला, है ना। राइट फेसिस के लिए थीटा की वैल्यू 0 मिली, लेफ्ट फेसिस के लिए थीटा 180, है ना, उस तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन इजीली कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1.12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 के का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है ये प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना। इससे पहले क्यूब पे बेस्ड प्रॉब्लम हमने सोल्व कराई, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन गिविन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिविन है आपको, कैसा है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव है, एंड यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड सेम है, बट इन द निगेटिव डायरेक्शन फॉर निगेटिव एक्स, निगेटिव है, इट इज गिविन दैट, जैसा कि बताया गया है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, तो अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में बात करें तो एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर, और ओरिजिन के राइट साइड में बात करें, ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में बात करें तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, और लेफ्ट साइड में बात करें तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिया गया, बट दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें प्यारे बच्चों, दोनों के किसकी, मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा,
इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम ही आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा. ओके, ये ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये होगी प्यारे बच्चों रेडियस, है ना, ये रेडियस होगी, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10^-2 मीटर. ओके, ये एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, है ना, इसका जो सिलेंडर का सेंटर है वो कहां है, ओरिजिन पर है, ओरिजिन, एंड इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, यानी कि दिस इज द एक्सिस ऑफ द, ये क्या है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. सो दैट वन फेस इज एट x इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर पर है एक फेस, और सेकेंड फेस x इक्वल टू माइनस 10, ये डिस्टेंस प्लस 10 हो गया, ये डिस्टेंस माइनस 10, इसलिए लेंथ हमारी टोटल कितनी मिली 20 सेंटीमीटर. ओके, l की वैल्यू यहां पर 20 सेंटीमीटर है, 20 × 10^-2 मीटर. ओके, ये वैल्यू गिवन है. अब देखो पूछा गया पूरा डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पूछा गया क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. तो प्यारे बच्चों जैसे ये देख रहे हैं, ये मार्कर है ना, और ये मार्कर क्या है, किस शेप का है बताओ, सिलेंड्रिकल शेप का है. ओके, अब इसकी ये राउंड वाली शेप, इस राउंड वाली शेप को हम कहते हैं कर्व सरफेस, क्या कहते हैं, कर्व सरफेस, और जो साइड बाय साइड है ना, ये ओके राइट और लेफ्ट में ये फ्लैट है, जैसे देख रहे आप ये कैसी है, ये सरफेस कैसी है, फ्लैट सरफेस, ये सरफेस कैसी है, फ्लैट सरफेस, तो ये फ्लैट सरफेस है. ओके, और ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस कर्व है, तो जो आपको डायग्राम में फ्लैट दिख रही है वो कर्व सरफेस है, यानी कि इसको हम कहेंगे क्या, कर्व, कर्व, और ये जो ये सरफेस है ये कैसी है, ये फ्लैट, ये फ्लैट फेस. ओके, फ्लैट फेस. तो यही देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, है ना, एक फ्लैट फेस से, है ना, कितने फ्लैट फेस है इसमें, दो, तो ईच फ्लैट फेस से कितना, अगर हम इस पे एक डीए, डीए की डायरेक्शन मेंशन करें, तो डीए नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा इस फेस के और आउटवर्ड होगा, तो यहां पर थीटा कितना मिलेगा, 0 डिग्री. ओके, यहां पर अगर डिफाइन करें डीए की डायरेक्शन, तो डीए इस तरफ होगा राइट साइड, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां भी 0. तो चाहे तो आपका फेस 1 से आप फाइंड कर लो, चाहे फेस 2 से फाइंड कर लो, है ना, ईच फेस से, क्योंकि थीटा दोनों के लिए 0 डिग्री है. तो पहले वाले केस में जो फ्लक्स है, फाई की वैल्यू E × dA, ये फॉर्मूला होगा, है ना, इसके लिए हम बात करें dA cos 0 डिग्री, ईच फेस से ये फ्लक्स पास हो जाएगा EA cos 0 1 × dA. ओके, तो E की वैल्यू आपको गिवन है, कितना मैग्नीट्यूड है, 200, ये मैग्नीट्यूड आपको गिवन है. ओके, क्लियर, dA क्या है, एरिया ऑफ फ्लैट फेस, है ना, सर्कुलर फेस है ये, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट अप कर दिया 3.14, आर की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों 5 × 10^-2 का स्क्वायर, इट्स क्लियर. चलिए नेक्स्ट, ये कितना आ गया, ये आ गया 5 का स्क्वायर 200 × 3.14, 25 × 10^-4. प्यारे बच्चों पहले हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, 25 × 50 तो 5, है ना, और × 10^-4. ओके, तो ये मिलेगा हमें 0.5 × 3.14, भाई 5 × 50 तो 5000 हो गया, 10^4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला 0.5. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20 और ये 7, 5 × 3 = 15, है ना, डेसिमल ये लगा,
तो यहाँ पे फाई की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना, ये वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इट्स क्लियर है ना ये, क्योंकि यहां पर फ्लक्स है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड है ना, साइड कौन सी, ये वाली साइड है ना, थ्रू द साइड, तो साइड से है ना, इस साइड से और इस साइड से है ना, फ्लक्स दो जगह से पास हो रहा, तो यहां पर अगर आप डिफाइन करें डीए वेक्टर है ना, डीए वेक्टर, तो डीए की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। यहां भी अगर डीए वेक्टर आप डिफाइन करेंगे है ना साइड पर सिलेंडर की, तो डीए की डायरेक्शन क्या आएगी प्यारे बच्चों, नीचे की ओर आएगी डीए। तो दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कैसी मिलने वाली है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्लक्स बताइए कितना पास होगा, जीरो, क्योंकि ई डी ए कॉस 90, तो बी का आंसर हो जाएगा फ्लक्स फाई, ये फाई वन ले लें, ये फाई टू, ई डॉट डी ए है ना, साइड से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना, साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की साइड से, तो ई डी ए दोनों साइड से कितना आएगा, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है जीरो, इसलिए हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, थ्रू द सिलेंडर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर पूछा गया है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स यानी कि पूरे सिलेंडर से, तो पूरे सिलेंडर में कितने टाइप की सरफेस है, एक तो फ्लैट फेसेस है, दो तो फ्लैट फेसेस है, और एक कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस में कितनी साइड है, दो साइड है, दोनों साइड से फ्लक्स जीरो आ गया, तो हमारा टोटल फ्लक्स कौन सा ऐड हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट फेस एंड सेकंड फ्लैट फेस। ओके, तो एक के लिए कितना आया हुआ था, 1.57। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सी की, ओके, तो प्यारे बच्चों ये देखो, अब सी के लिए कितना आ गया, सी, ये सी के लिए देखिए, सी के लिए क्या फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, क्योंकि आप देखो फाई वन, ये फाई वन कितना आया था, 1.57, क्योंकि दोनों फेसेस का हमें लेना है, तो ट्वाइस इंटू फाई वन कर देंगे, और बाकी फाई टू की वैल्यू तो क्या आ गई थी, जीरो, फाई टू की वैल्यू कितनी मिली, जीरो, तो फाई टू तो कितना मिला हमें, जीरो मिला है ना, तो 251 2 × 1.57, तो ये कितना हो गया, पाई के इक्वल हो गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ओके इट्स क्लियर, चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट है ना डी, डी क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो डी की डी नेट चार्ज, तो सिलेंडर क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस होती है ना, तो यहां पर सिलेंडर एक क्लोज होने की वजह से गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यूजिंग गॉसिस लॉ है ना, गॉसिस लॉ को यूज करें प्यारे बच्चों, तो फाई की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इन मीन्स चार्ज एंड क्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस, तो क्यू इन कितना आ जाएगा, क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी एप्साइलन नोट इंटू फाई, तो एप्साइलन नोट इंटू फाई करेंगे तो वैल्यू टोटल कितनी निकली थी हमारी, सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, 3.14, और ये वैल्यू कितनी होती है एप्साइलन नोट की, 8.85 × 10^-12 मल्टीप्लाई कितना, 3.14 है ना, ये मल्टीप्लाई कर लो 8 × 3 = 24, और ये आपका एट अबाउट आ जाएगा 2.78 × 10^-11। ओके न्यूटन चार्ज की वैल्यू निकालिए, कितना चार्ज क्यू इन, तो ये आ जाएगा कूलम, ओके कूलम है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, फाई की वैल्यू, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।